नमस्कार दोस्तों, गैजेट जितिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोटो जी फाइव प्लस की अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं कैसा बॉक्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि आप इसमें 2 GHz का प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 625 और 5.2 इंच का डिस्प्ले है। तो देख सकते हैं बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है पैकेजिंग। और जैसा मैं खोलता हूँ इसको, मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, ये आपका फ़ोन मिलेगा। देख सकते हैं इस टाइप का आपका फ़ोन है, काफ़ी लाइट वेट और बढ़िया फ़ोन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा फ़ोन है। पीछे से देख सकते हैं आप कैसा डिज़ाइन आपको दिया गया है, और देख सकते हैं बाकी बॉक्स में क्या क्या मिला है, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको खोलेंगे तो आप इसमें इसको साइड में रखते हैं, आपको यूएसबी केबल मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की यूएसबी केबल है, और जिससे आप टर्बो चार्जर से आप चार्ज कर सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से फ़ोन। और आपको यूएसबी केबल मिली है, और आपको ये टर्बो चार्जर मिला है, जिसकी आप जो है रेटिंग देख सकते हैं, लेकिन इस मेरा कैमरा इस समय है नहीं, और तो इस समय मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको नहीं बता सकता। हालांकि ये टर्बो चार्जर है मोटोरोला का, आप देख सकते हैं इसमें पन्नी चढ़ी हुई है, तो इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, अच्छी है। और देख सकते हैं अगली बार हम देख सकते हैं इसमें घटिया क्वालिटी की ईयरफोन दी गई हैं, जो काफ़ी चीप क्वालिटी की ईयरफोन है। और मोटोरोला सभी फ़ोन, सभी कंपनियों के फ़ोन जितने आते हैं ये सब ऐसे ही ईयरफोन देते हैं। और बॉक्स में देख सकते हैं बुकलेट्स मिली है आपको वारंटी कार्ड के लिए, और सेफ्टी के यूजर्स के लिए कैसे आप यूज़ करना है फ़ोन, आपको सब इसमें बता रहा है। और बाकी ये सब बुकलेट्स वगैरह मिली हैं जितनी भी हैं, और बाकी बॉक्स में कुछ नहीं है। और आपको एक चीज़ और मिल रही है, आप वो इससे सिम निकाल सकते हैं, जिसे आप सुई के तरह होता है, जिसे आप सिम निकाल सकते हैं, जिसे सिम अंदर बाहर कर सकते हैं, अगर कोई निशान बना है इसके अंदर है। और ये इसमें होगा, और ये देखो दोस्तों ये आपको मिली है, इसमें आपको दिख रही होगी, तो इसको मैं अंदर कर लेता हूँ, उसके बाद में अंदर करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास इतनी एक्सेसरीज हैं, और मैं आपको फ़ोन स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। फ़ोन स्विच ऑन हो रहा है, देख सकते हैं आप, दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है और बढ़िया लग रहा है फ़ोन देखने में। पहली बार मेटल का इसमें प्रयोग हुआ है, जो बॉडी देख सकते हैं काफ़ी लाइट वेट और अच्छा है। इसमें आपको तब तक स्विच ऑन हो रहा है, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें माइक्रो एसबी केबल का स्लॉट दिया गया है चार्जिंग के लिए, और इसमें आप माइक्रोफोन दिख रहा होगा आपको, और 3.mm का ऑडियो जैक दिया गया है नीचे ही है, और बाकी ऊपर की तरफ आपको सिम कार्ड डालने के लिए एक स्लॉट मिलेगा, जैसे आप 2 सिम डाल सकते हैं, और एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं दिया गया है, जो मोटोरोला की अच्छी और ख़ास बात यह है कि डेडिकेटेड सिम स्लॉट दे सकते हैं, यानी कि 2 सिम डाल सकते हो और सिम का मेमोरी कार्ड भी साथ ही में डाल सकते हो। और यहाँ पर आपको मिलेगा वॉल्यूम और पावर अप की बटन, और बाकी इस साइड कुछ नहीं है, और बाकी पीछे को तरफ आपको कैमरा मिलेगा, ड्यूल ऑटो पिक्सल का कैमरा है, और आपको नीचे मिलेगा मोटोरोला की ब्रांडिंग, और देख सकते हैं नंबर वगैरह पड़ा है मेड इन इंडिया, इसमें दिख रहा होगा आपको। तो फिंगरप्रिंट का मैंने सेटअप पहले ही कर लिया था, और बाकी मैंने पन्नी अभी चढ़ाई नहीं है, हालांकि पन्नी अगर चढ़ाएँ चढ़ा अगर छुट अगर निकाल देंगे तो जो है फ़ोन जो है स्क्रैच पड़ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने अभी ग्लास भी ऑर्डर कर दिया, अभी आया तक नहीं है, तो फिंगरप्रिंट मैंने सेटअप किया। हालांकि फिंगरप्रिंट देखते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा और स्मूथ वर्क करता है, जैसे भी आप टैप करेंगे आप
और खुल जाएगा इसमें। हालांकि सेट नहीं है, अभी मैं बटन डाल देता हूँ जी। देख सकते हो कितना अच्छा फ़ोन है दोस्तों, आप कोई लैग वैग नहीं है और बहुत ही अच्छा फ़ोन है, देख सकते हैं। और आपको सेटिंग में जाके हम बताते हैं। सेटिंग में हम गए, आपको बता रहे हैं अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में आपको 7.0 नोकट दिया गया है, जो कि अच्छी बात है और लेटेस्ट एंड्रॉयड है। और बाकी इसका कैमरा वगैरह भी बहुत ही अच्छा है, कैमरा देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा और सॉलिड कैमरा दिया गया है इसमें। इसमें आप अलाउ कर रहा है, इसको अलाउ कर देंगे हम। तो बता रहा है ये सेटिंग्स आ गई हैं, इसमें हम कोई फ़ोटो ले सकते हैं, जैसे हम अपनी बॉक्स के लेना चाहते हैं बॉक्स के ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी फ़ोटो आई है दोस्तों। हालांकि पन्नी अभी मैंने हटाई नहीं है, तो काफ़ी अजीब लग रहा होगा, आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो देख सकते हैं ये फ़ोन है मोटो G5 Plus, अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे आप ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा फ़ोन दोस्तों, आप इसको इधर उधर कर देंगे तो आपको डायलर मिल जाएगा, और इधर स्लाइड करेंगे तो आपको मेन मेनू मिल जाएगा। हालांकि ऐप भी ज़्यादा गूगल के दिए गए हैं। तो अगर कोई दिक्कत इस वीडियो में आपको बनी हो, क्वालिटी ना अच्छी आए, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो कृपया लाइक मेरी वीडियो को ज़रूर करें दोस्तों, और ना पसंद तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कोई भी अगर सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए आप बोलिए, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपको कमेंट देने की, और जब मैं जो भी गलती हो गई हो मैं उसको सुधारूंगा अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के लिए धन्यवाद दोस्तों।